हिंदू धर्म में तीन बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आमतौर से जो हिंदू भाई हमारे हैं, उनको जो सिखाया गया है उनके गुरुओं के जरिए, उनके असलाफ के जरिए, कि ब्रह्मा जो लफ्ज आते ही उनके जहन में पिक्चर आती है, एक तस्वीर आती है कि एक शख्स सफेद दाढ़ी जिसकी तीन सर हैं, कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ है, तीन तीन हाथ हैं एक तरफ, इसको कहते हैं ब्रह्मा। लेकिन ये संस्कृत भाषा के अंदर, संस्कृत जबान के अंदर इस ब्रह्मा का अर्थ होता है पंच तत्व को मिलाकर। पंच तत्व ने जमीन आसमान की जो पांच चीजें हैं वो, एक आसमान, दूसरी जमीन यानी गगन, वायु, अग्नि, जल, आकाश, धरती, ये पांच चीजों को मिलाकर जिसे पंच तत्व कहा जाता है, इसे मिलाकर एक संसार बना है, एक कायनात बनी है, एक प्लैनेट बना है, एक यूनिवर्स बना है, प्लैनेट नहीं बल्कि एक यूनिवर्स जो बना है। तो उसको बनाने के लिए, उस बनाने की जो क्रिया है, एक काम करने वाले को खाली जिसे हम कहते हैं, यानी कि बनाने वाला, किसी भी चीज को ऐजाद करने वाला, क्रिएट करने वाला, क्रिएटर जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मा के माने हुए क्रिएटर। विष्णु, फिर वही एक तस्वीर जहन में आती है कि सांप की जो समुद्र के ऊपर शेष नाग है, उस शेष नाग की जो पांच सात जो फने होती हैं वो ऊपर से छांव किया हुआ है, एक आदमी जो है सो रहा है और एक लक्ष्मी जो विष्णु है वो सो रहे हैं और लक्ष्मी उनका पैर दबाए। आमतौर से ये तस्वीरें आपने देखी होंगी लोगों के पास। तो जबकि इसका ये अर्थ नहीं कि विष्णु का मतलब विष्णु भगवान को जो है याद किया गया, इस विष्णु का जो अर्थ होता है विश्व धन आयस विष्णु, यानी मैं जो संसार की रचना करने के बाद इसी संसार की, इस विश्व की रक्षा करने वाला भी हूं, यानी खुद ईश्वर अपने बारे में कह रहा है कि मैं विष्णु हूं। आमतौर से लोग विष्णु बोलते थे लेकिन विष्णु लिखने में नहीं आता, कि आप जब लिखेंगे तो वाव के साथ में उसकी जो छोटी मात्रा है और लास्ट में जो दो पॉइंट्स आते हैं उसको हिंदी संस्कृत भाषा का जो उच्चारण होता है विश्वनु, इस तरह से पढ़ना चाहिए। विश्वनु के माने विश्व की रक्षा करने वाला, हाफिज जिसको हम कहते हैं। महेश महाधनकाल ई आयश, यानी कि किसी भी चीज को बनाकर उसको तबाह करना, उसको मिटा देना, उसको प्रलय ले आना, उसको विध्वंस कर देना, खत्म कर देना, ये उसके माने हैं, जिससे अल्लाह की इस बात जुन इंतकाम। तो महेश के माने हुए विध्वंस करने वाला, यानी इस कायनात को बनाने वाला, बनाने के बाद अल्लाह ताला इसको एक दिन खत्म कर देगा, कयामत जिसे नहीं करते। तो ये है इस चीज के मान। अब अगर इसी चीज को, इन तीनों सिफातों को एक जगह जमा कर दिया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन सिफात हैं ईश्वर की, इसको एक ही वर्ड के अंदर समेटा गया और वो है ओम। आमतौर से ओम के माने जो हम जहन में जो लोगों के आते हैं और खुद हिंदू धर्म के मानने वालों के जो जहन में आते हैं वो एक अलग चीज है। ओम जो है शंकर का जो है नाम है, ऐसा नहीं। तीनों ये जो सिफात है ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी को मिलाकर के एक कहा गया, वो है ओम। तो इस संसार की रचना ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्, इस संसार की रचना करने वाले परम ईश्वर तू मेरा सही मार्गदर्शन कर, सच्चे राह पर ले चल, वह राह जो स्वर्ग की ओर ले जाता हो। तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐ ईश्वर तू मेरी हिफाजत कर, मुझे बचा द्वेष घृणा क्रोध, यानी किसी से हसद से, जलन से और लोगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने से तू मुझे महफूज रख। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये इसका मतलब है। ये चीजें हर उस आचार्य को मालूम है जो गुरुकुल के अंदर पढ़ाता है, उसके अलावा और किसी को, जो संस्कृत जबान से बखूबी वाकिफ है,
जिन्हें ग्रामर आती है संस्कृत जबान की, वो इन वेदास के अंदर जितनी भी तौहीद की बातें हैं इन तमाम चीजों से बहुत अच्छी तरह भली भांति वाकिफ है, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है।